वो हसीये से ऑपरेशन करता है। उसका दावा है कि उसके पास हनुमान जी की शक्ति है और जैसा हनुमान जी कहते हैं वो वैसा ही करता है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। वो बाबा पहले झाड़ता है, सिर पर मारता है मोर पंख, 21 दिन में ठीक नहीं हुए तो कर देगा ऑपरेशन हसीये से, क्योंकि वो है हसिया वाला बाबा। हसिया वाले बाबा कहते हैं कि उनकी झाड़ फूंक से लोग ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं परमात्मा जाने। 18 में है ना, 18 में के लिए कैंसर है, कई के लिए टीबी है, तो कई के लिए ब्लड की खराबी है। क्या चलता है यहाँ, झड़ाई चलती है। अब हाथ से क्या बताएं, वहीं देखना आप जब झाड़ते हैं तो क्या कैसे ठीक कर देते हैं आपके? ये तो परमात्मा जाने। अगर झाड़ फूंक से ठीक नहीं हुए तो देखिए बाबा का हसिया। बाबा इसी हसिये से ऑपरेशन कर देते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ झड़ाई हो रहा है, जब उसमें नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन कर देते हैं हसिया से। कैसे ऑपरेशन? हसिया से ऑपरेशन कर देते। ये कारोबार हसिया वाले बाबा पिछले 12 सालों से चला रहे हैं और ऐसा हम नहीं, खुद बाबा बताते हैं। हमारे लिए कम से कम आज की 10-12 साल हैं जब से चल रहा है हमारा। बाबा ने हसिये के सहारे अपनी प्रॉपर्टी भी खूब बना रखी है। कई जगह बाबा के आश्रम चल रहे हैं और बाबा आगे भी आश्रम खोलने का मन बना रहे हैं। हमने अनंतपुरा में, फिर भोसवारा गांव में आश्रम बनो है, फिर कुसमी गांव में आश्रम बनो है, तुम्हारे से नरसिंहपुर में तेंदुखीड़ा के यहाँ आश्रम बनो है, रायसेन में बरेली के पास में आश्रम बना है, कई जगह किया है जी। तो देखा आपने, बाबा अपने आश्रम गांव वालों के इर्द गिर्द ही खोलते रहे जिससे भोले भाले मासूम ग्रामीण बतौर शिकार उन्हें मिलते रहे। इलाज के बारे में बाबा का कहना है कि हनुमान जी उनसे कहते हैं कि झाड़ फूंक करो तो वो झाड़ फूंक करते हैं, नहीं तो फिर करते हैं हसीये से ऑपरेशन। जी हाँ। कैसे? कि इसका ऑपरेशन कर दो, इसका झाड़ दो, झाड़े में ठीक हो जाएगा, ये ऑपरेशन में ठीक हो जाएगा, वही काम कर देते थे वो ठीक हो जाते। यानी बाबा को पता है कि उनके शिकार कैसे और कहाँ मिल सकते हैं और हसीये वाले बाबा वहीं पर डेरा जमा लेते हैं। फिलहाल तो उन्होंने पन्ना से 60 किलोमीटर दूर लक्ष्मण टेकरी में अपना डेरा जमा रखा है। मिलवाएंगे आपको बाबा के भक्तों से। आप बने रहिए हमारे साथ। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा समय, पन्ना।